वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फाइनल नसीम शाह की जगह हसन अली की वापसी। चीफ सेलेक्टर जमामल हक ने बताया कि कौमी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम होंगे और नायब कप्तान शदाब खान होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने बिलाखिर आइंदा ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के स्क्वाड के ऐलान में गैर मुतवक्का तखीर का सामना करना पड़ा क्योंकि टीम इंतजामिया ने एशिया कप से जिल्लत अमेज अखराज और टूर्नामेंट के दौरान बड़े बॉलर के जख्मी होने के बाद मशावरत की। बुध को क्रिकेट बोर्ड ने मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा जकाय अशरफ की जेर सदारत कौमी कोचिंग स्टाफ का इजलास हुआ जिसमें मिकी आर्थर कप्तान बाबर आजम नायब कप्तान शदाब खान और सबक कप्तानों मुसबल हक और मोहम्मद हफीज ने टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। हाल ही में ख़त्म होने वाले इलाकाई टूर्नामेंट में कारकर्दगी का जायजा मुकम्मल होने के बाद चीफ सेलेक्टर जमामल हक ने वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल दी। ऐलान करदा स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, शदाब खान नायब कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रजमान विकेट कीपर, वसीम जूनियर, सऊद शकीर, सलमान अली आगा, शाहीन शाह फरीदी, असामा में शामिल है। रिवर्स खिलाड़ियों में मोहम्मद हारिस, बरार अहमद और उस्मान खान, ये खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल है। उसके बाद उस्मान खान की सिलेक्टर ने पाकिस्तान टीम के लिए दुआ की कि ये खिलाड़ी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तानी लाएंगे और ये खिलाड़ी ही थे जो इन पर हमारी नज़रें थी कि ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने के लिए अहम है।